हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, निम्न में से कौन सी है। जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। सम संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि क्या बोलता है, हम लिख लेते हैं 8,03,462, यानी कि एक छोड़कर एक, यानी कि या तो इन संख्याओं का क्या होना चाहिए, अंतर 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो, हम करते हैं, पहले ऊपर वाला ले लेते हैं, 8+3+6 माइनस में 0+4+2, यानी कि 0+4+2 क्या होना चाहिए। ये क्या आ गया हमारे पास, 8×6=14, 3×15 −4×2=6। यह आ गया दोस्तों। अब हम क्या करें कि या तो इनका अंतर समान हो जाए। अगर अंतर इनका 0 होगा तो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अगर अंतर 0 नहीं है तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करें, 6 में क्या जोड़े कि इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम देखते हैं दोस्तों, 6 में 9 जोड़ने पर हमको पता है कि डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि 6 में 9 जोड़ते हैं तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 0। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।